सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों, जस्ट पिछले दिन हम हमारे बुआ के घर पे थे, जो कि कस्या के आसपास है। लेकिन अभी मॉर्निंग में ही मैं आ चुका हूँ मेरे दीदी के घर पे, यानी कि अब सिटी में आ चुके हैं हम लोग, गोरखपुर में। तो ऑलमोस्ट मुझे 3-4 घंटा हो गया गाइस आके। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग बस देख रहे हैं कि टिकट्स मिल जाए, एंड टिकट्स मिलने के बाद हम सीधा जाएंगे मुंबई की तरफ, यानी हमारे घर पे बोईसर में आ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में हमने ट्राई किया टिकट्स का, तो टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, एंड तो हमने सोचा कि क्यों ना एक दिन यहाँ पे रुक लिया जाए। तो ट्राई करते हैं, लेट्स होप कि अगले दिन यानी कल के दिन टिकट मिल जाए हमें, तो हम वहां से ट्रेन पकड़ पाएंगे। क्योंकि आते टाइम तो फ्लाइट से आ गए थे, लेकिन जाते टाइम सोच रहे कि ट्रेन से जाने का। तो चलो यार, अभी ऑलमोस्ट नाश्ता वगैरह करके हो गया है, मतलब काफी टाइम हो गया करके, तो इवनिंग भी होने वाला है। तो दीदी एंड बाकी लोग ने डिसाइड किया कि चलो यार थोड़ा सा घूमने के लिए निकलते हैं। तो अभी हम लोग ऐसे कैजुअली बाहर जाने वाले हैं, देखते कहाँ जाते हैं। एक वैसे बहुत फेमस जगह है यहाँ पे नौका विहार करके, जहाँ पे थोड़ा नदी है और उसके ऊपर बहुत सारे साइट सीइंग करने के लिए व्यूज है। तो चलो चेकआउट करते हैं जाके, आप लोग बने रहना इस ब्लॉग में। तो फिर गाइज, ठंडी का मौसम था यार, जैकेट डाल लिया एंड बाकी मेंबर्स के साथ हम निकल पड़े नौका विहार की तरफ। हाय करो, हाय। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ऑटो पकड़ लिया है, और ऑटो पकड़ने के बाद यहाँ पे हम लोग सीधा प्राइवेट ऑटो रिक्शा करके हम जा रहे हैं हमारी मंजिल की तरफ, जो कि है नौका विहार पॉइंट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी डेवलप हो गया है यार, ये गांव गांव नहीं रहा अब तो, काफ़ी डेवलप हो गया है एंड पूरा शहर में गिनती आता है। यहाँ पे 5-स्टार होटल्स भी है, और ये रहा गाइस एंट्री पॉइंट, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, मतलब टूरिस्ट के अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनाया हुआ है। इसको मैंने आपको बहुत पहले एक व्लॉग में दिखाया होगा ऑलरेडी, लेकिन आज वहाँ पर वापस से हम जा रहे हैं। और ये रहा दोस्तों इतना ब्यूटीफुल व्यू, और यहाँ पर बहुत सारे खाने के काउंटर्स है। तो गाइज, जस्ट अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे, जो कि है नौका विहार, गोरखपुर का बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। और पीछे एक सब खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, और हमें यहाँ पे जाना है, जो कि है एंट्री पॉइंट। हाय करो, हाय। फिर गाइज यहाँ से हम चल पड़े, जो कि था यहाँ से एंट्री गेट। तो एंट्री गेट के अंदर से हम लोग धीरे धीरे करके जाने लगे, और आसपास बहुत सारे खाने के स्टॉल्स लगे हुए थे। और जैसे आप एंट्री लोगे ना, एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे यार झंडा दिखाई देता है, और यहाँ से मैं और दियांश, जो कि मेरा भांजा है, हम लोग एंट्री करते हैं। और ये जो हम लोग जैसे ही एंट्री किए ना, इतना ज़्यादा क्राउड हमें दिखाई दिया, तो यार एक टाइम में मैं भी कंफ्यूज हो गया कि यार ये है क्या एग्जैक्टली। तो फिर मैं थोड़ा सा आगे जब बढ़ता हूँ, तो मुझे क्या दिखाई देता है कि यार यहाँ पर वाटर शोज चलते हैं, और यहाँ पर हर इवनिंग के टाइम पर, हर शाम को यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें लाइटनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है। और काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं इस वाटर शो को देखने के लिए, नाइट शो को देखने के लिए। और आप देख सकते हो कितनी क्राउड है, और ये वाटर शो यार इतना ज़बरदस्त दिख रहा है, मतलब रंग बिरंगे कलर के जो पानी के फवारे, और यहाँ पे अलग अलग शेप्स भी मतलब बनाए जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ गाइस, और बहुत सारे पब्लिक, आज इतनी पब्लिक है कि आप बोल नहीं सकते। और अभी लाइट शो भी चल रहे हैं, और थोड़ा मैं अभी अंधेरे में हूँ, चलो जाते हैं अंदर। फिर गाइज, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि यार एक बहुत ह्यूज सा एक इंडिया का फ्लैग दिखता है, तो यहाँ से उसका एंट्री पॉइंट है। और आप आसपास देख सकते हो यार, बहुत ही यार ज़बरदस्त व्यू। तो चलो यार, सबसे पहले तो यार ये जो व्यू है ना, मतलब इसमें ऑलरेडी हम जा चुके हैं, तो इस बार हम लोग नहीं जाने वाले, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट टाइम हमने किया था ये बोटिंग। एंड चलो अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर एक्चुअली एक बहुत ही पतला सा एक ब्रिज जैसा बनाया हुआ है, और इस ब्रिज को जैसे ही आप क्रॉस करके जाओगे, तो यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा एक लाइक बनाया हुआ है, और इसके अंदर आप जा सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त लुक। और गाइज, अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं नौका विहार के मेन सेंटर पॉइंट पे, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड लग रहा है आज, क्योंकि सैटरडे है, मतलब वीकेंड ऑब्वियसली होता है, और मतलब जैसे ही गोरखपुर का मेन अट्रैक्शन पॉइंट भी है, काफ़ी ज़्यादा लोग घूमने आते हैं यहाँ। तो गाइस चलो यार, बहुत थोड़ा इन्जॉयमेंट हो गया, अभी कुछ पेट पूजा भी करते हैं, यानी कि कुछ खाते। तो लेट्स गो एंड ईट सम डिशेस, जो ब्रेकफास्ट अगर अवेलेबल है यहाँ पे उसके हिसाब से। तो जैसे ही आप बाहर निकलोगे, यहाँ पे बहुत सारे मतलब स्टॉल्स आपको दिखने मिल जाएंगे, जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमारा फेवरेट चीज़ हम खाने आ गए, जो कि है सोया चाप। सोया चाप बेसिकली सोयाबीन का बनाया हुआ एक चीज़ होता है। ये कौन सा बन रहा है? ये मलाई। दूसरा ये।
और यहाँ पे गाइस हमारा तंदूरी सोया चाप बनने के लिए रेडी है। यहाँ पे पहले सबसे पहले कटिंग किया जा रहा है और बहुत ही यार मज़ा आता है यार ऐसी चीज़ें देखते हुए जब बनती है ना। यहाँ पे उन्होंने डाला थोड़ा सा स्पाइसी चटनी एंड यहाँ पे अब वो घुमाएंगे गोल गोल, थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह ऐड कर रहे हैं। तो चलो फटाफट मिक्सिंग करते हैं एंड ये भाई साहब फटाफट से मिक्सिंग कर रहे हैं। और हमारा एक और आइटम था जो कि था पनीर का तंदूरी रोस्ट, तो पनीर भी यहाँ पे कट हो रहा है और यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है। तो फाइनली गाइस ये रहा बनके रेडी। तो चलो सबसे पहले यार जीजू एंड पप्पा को दे देते हैं यार खाने के लिए। तो चलो यार वो लोग भी एंजॉय करते हैं एंड बाकी हमारा दो और आइटम था जो कि सोया चाप का था, तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। तो चलो यार इसको भी खा के एंजॉय करते हैं। एंड फिर गाइस फिर भूख लगी थी तो यार मैंने सोचा यार मोमोज खाया जाए। तो यार यहाँ पे पनीर स्टफ स्टीम मोमो मैं लेने के लिए आ गया और यहाँ पे भैया जी प्लेट पे लगा रहे हैं। तो चलो यार भैया जी फटाफट से लगाओ एंड इसको भी हम लोग खाते हैं एंड फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो गाइस यहाँ का जो प्रोग्राम था वो फाइनली कम्प्लीट हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट नाश्ता वगैरह भी हैवी कर लिया है, सीधा घर पे निकलते हैं।